वेलकम बैक दोस्तों, लेट अस नाउ स्टडी द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेस का यूज करने वाले हैं, जो सिंपल फॉर्मूलास है हमारे फिजिक्स के, लाइक ओम्स लॉ, विच इज रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है, ये यहां हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज करेंगे। फिर उसके अलावा फिजिक्स के और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। कंडक्टेंस का सिंबल है जी, रेजिस्टेंस का सिंबल है आर। कंडक्टेंस इज 1/ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, तो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होगा 1/ ओम, विच इज कॉल्ड एज ओम इनवर्स। इसीलिए कंडक्टेंस का हम एसआई यूनिट ओम इनवर्स बोलते हैं। अब ओम इनवर्स को हमने साइंटिस्ट सीमेन के नाम पे दूसरा एसआई यूनिट बना दिया कंडक्टेंस का, विच इज आल्सो कॉल्ड एज सीमेंस। इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट सीमेंस वी कॉल द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस द एसआई यूनिट एज सीमेंस, और वी कैन आल्सो राइट इज एज ओम इनवर्स। उसके अलावा फिजिक्स में और एक क्वांटिटी है हम लोग ने जो कि स्टडी किया है, विच इज रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी रो से हमें कंडक्टिविटी के भी आया था फिजिक्स में, इफ यू रिमेम्बर, कंडक्टिविटी के इज 1/ रेजिस्टिविटी रो। अब ये एग्जैक्टली स्पीकिंग के नहीं होता है, दिस इज अ ग्रीक लेटर कप्पा, बट स्टिल वी कैन अज्यूम इट टू बी के फॉर अवर स्टडी पर्पस। कंडक्टिविटी के इज 1/ रेजिस्टिविटी रो। नाउ व्हाट इज द रिलेशन विच रिलेट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो ये हम स्कूल से ही याद किए हैं। दिस इज आर इज रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला स्कूल से सबको याद है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला आर इज रो एल अपॉन ए। दिस गिव्स अस 1/ रो इज एल अपॉन ए आर। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो वी गेट 1/ रो इज एल अपॉन ए आर। नाउ 1/ resistivity is nothing but conductivity kappa. Okay, तो 1/ resistivity को हमने conductivity K बोल दिया, तो इसका formula आ जाएगा L upon AR. अब ये जो conductivity आया है हमारे पास, electrical conductivity, इसका unit क्या आएगा हम थोड़ा discuss कर लेते हैं। K is L upon AR. Resistance का unit है ohm, area का formula अगर side square रखते हम लोग तो L स्क्वायर यहां पे रख देंगे, L और L स्क्वायर कैंसिल होके नीचे एक L बचेगा, 1/ L इंटू आर ऐसा यूनिट होगा, तो 1/ मीटर इंटू ओम, तो रेसिप्रोकल ऑफ ओम मीटर आएगा हमारा यूनिट, तो विच इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, इज इट अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट। अब इसमें एक नए कॉन्स्टेंट का बात करने वाले हैं हम लोग, ये L अपॉन A जो हमारे पास आया है, L अपॉन A, इसको एक नया नाम दे देते हैं हम लोग, विच इज नोन एज B। जो L अपॉन A हमारे पास आया है टर्म, उसको हम लोग नया नाम दे देंगे, दिस L अपॉन A, इसको मैं नाम दे दूंगा B, विच इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। L अपॉन A इस B सिंबल से दिखा दे दिया, और B का नाम क्या है, सेल कॉन्स्टेंट, तो सेल कॉन्स्टेंट B दिखा दिया मैंने, L अपॉन A। क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री के बात करें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है अगर हमारे पास, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है L, अगर हमारे पास केमिस्ट्री में ऐसा एक इलेक्ट्रोड है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लेंथ है वो कितना है L, तो दिस L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एंड A इज द कॉमन एरिया, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड का एरिया है वो ए है। तो जो रेशियो है हमारे पास लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और कॉमन एरिया इलेक्ट्रोड एरिया ए, इसको हमने नया नाम दे दिया है सेल कॉन्स्टेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास जो एक इलेक्ट्रो पूरा एक कंटेनर होगा जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस L होगा और एरिया ऑफ क्रॉस जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड A है। ओके, तो लेंथ विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और एरिया मीन्स कॉमन इलेक्ट्रोड एरिया, तो ये जो रेशियो है इसको हम सेल कॉन्स्टेंट B बोल देते हैं।
ओके तो ये बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक तो फॉर्मूला एल अपॉन ए से निकालते हैं, बट जनरली जो हम केमिस्ट्री में ये सेल कॉन्स्टेंट बी का फॉर्मूला है ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, वी यूज अ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड वी विल सी इन नेक्स्ट सेक्शन कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से कैसे हम ये सेल कॉन्स्टेंट बी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सेल कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला निकालना इजी है एक्सपेरिमेंटली, इट कम्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। देखो पहले हम क्या करेंगे, के इज एल अपॉन ए आर, यहां तक तो हमने प्रूव किया एल अपॉन ए को बी रखा, तो अगर मुझे बी का फॉर्मूला निकालना है तो के इंटू आर होगा, बी का फॉर्मूला निकालना है तो के इंटू आर होगा, के इज कंडक्टिविटी आर इज रेजिस्टेंस। ओके तो बी इज इक्वल टू के आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दोनों टर्म्स को मैंने इक्वेट किया के इज बी अपॉन आर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी इज इक्वल टू के इंटू आर आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू के आर हमारा फॉर्मूला है। सेल कॉन्स्टेंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, और ये सेल कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, तो इट विल कम आउट टू बी, देखो सेल कॉन्स्टेंट का कैसे है, सेल कॉन्स्टेंट एल अपॉन ए है कि नहीं, सेल कॉन्स्टेंट क्या है एल अपॉन ए, एरिया को साइड स्क्वायर लिख दिया एल स्क्वायर लिख दिया, तो एल अपॉन एल स्क्वायर विल बी वन अपॉन एल, मतलब वन अपॉन मीटर, मतलब मीटर इनवर्स, तो सेल कॉन्स्टेंट का यूनिट आएगा मीटर इनवर्स। तो ऐसा हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस है फिजिक्स के जो कि हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे फॉर अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ओके तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट पढ़ा था और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो करंट है इनमें क्या डिफरेंसेस होंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ मेटालिक कंडक्टर इन इट द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कोई मेटल का कंडक्टर है हमारे पास तो उसमें करंट किसकी वजह से कहा जाता है, करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Whereas, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का बात करें तो इन दैट केस करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयॉन्स, आयॉन के फ्लो की वजह से करंट होगा। ओके तो आयॉन फ्लो लीड्स टू करंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एंड इन मेटालिक कंडक्टर जब मेटल का हमारे पास कंडक्टर है तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वो मेटल अगर वायर आयन का है तो वो मेटल वायर आयन का ही रहता है, कोई केमिकल चेंज नहीं आता कि आयन से और कुछ बन जाए, तो हमारे पास कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं है अगर एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। सपोज वी कंसीडर दिस वायर विच इज मेड अप ऑफ लेट अस से आयन, तो आयन के वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इन दैट केस इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंडली देर इज नो केमिकल चेंज इन्वॉल्व व्हेन अ करंट फ्लोस थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, बट व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो उसमें हमारे पास केमिकल चेंजेस होंगे, तो केमिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व व्हेन वी कंसीडर अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फिर उसके बाद इन केस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द आयॉन्स। जैसे मान लो यहां पे मेटल है तो मेटल का जो वायर है इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो देन देयर इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द आयॉन्स इन दैट वायर। जैसे ही वो मेटल के एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, वो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं तो जो वो हमारे पास मेटल के आयॉन्स बचे हुए होंगे वो अपोज करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो दैट इज मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द आयॉन्स। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वेरियस इंटरैक्शंस, कौन से इंटरैक्शंस, जैसे सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने अगर एक मान लो बीकर लिया उसमें पानी डाला और उसमें नमक डाल दिया, अब नमक एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली और पूरे जो हमारे पास डिसॉल्व होने के बाद एक सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट वाटर का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा, एंड दैट सॉल्ट वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जब वो सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो सोडियम आयन्स एक इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, क्लोराइड आयन्स
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास जाएंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन. ओके, तो सोडियम आयन्स विल गो इन वन डायरेक्शन, क्लोराइड आयन्स विल गो इन अनदर डायरेक्शन, और उसमें क्या होगा, हमारे पास सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स के बीच में एक अट्रैक्शन होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन. वो जो अट्रैक्शन है सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स के बीच में, दैट विल एक्ट एज अ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ आयन्स. So the opposition to the flow of ions due to the oppositely charged sodium ions and chloride ions is leads to solute-solute interaction and वो एक resistance का काम करेगा. फिर उसके अलावा solute solvent interaction कैसा होगा, तो solute जैसे sodium ions और solvent जैसे water molecules, तो solute जो हमारे पास sodium ion है उसके आजू बाजू वो वाटर मॉलिक्यूल्स से घिरा हुआ होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन है वो सोडियम को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सोडियम के आयन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे एंड ड्यू टू दैट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द H2O मॉलिक्यूल्स द सोडियम आयन विल हैव अ डिफिकल्टी इन मूविंग, तो इसीलिए एक रेजिस्टेंस बढ़ाने का काम करेगा. सिमिलरली क्लोराइड आयन जो रहेगा वहां पे भी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स आजू बाजू उसके घेर के रखेंगे उसको, तो उसके कारण क्लोराइड आयन्स को भी मोशन ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर में डिफिकल्टी होगा. दैट लीड्स टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. फाइनली अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अगर हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का बात करें तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट जैसे वाटर ही हमारा सॉल्वेंट है इस NaCl सॉल्यूशन में, तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होगा दैट विल बी द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड विच इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, तो उसके कारण भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो दीज आर सम इंटरैक्शंस विच वी नीड टू रिमेंबर फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स विच लीड टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. फाइनली व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने देखा है कि जब कंडक्टर्स में मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. वी हैव सीन दिस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर अ मेटालिक कंडक्टर, बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये जो हमारे पास वायर होगा उसमें एटम्स है जो आयन्स है उनका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में मुश्किल होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा अपोज होगा लीडिंग टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. तो ऐसा हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में होगा. इन केस ऑफ नॉन मेटालिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स व्हाट हैपेंस इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हमने जैसे ये सेमीकंडक्टर्स में भी देखा था फिजिक्स में अगर याद होगा तो सेमीकंडक्टर्स में भी यही रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में भी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में एनायंस है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलिटी, एनायंस है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलिटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज एक जगह से दूसरे जाएगा इन जगह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनायंस, तो उनका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनायंस बढ़ जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी एनायंस का बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया, अब फास्ट मूवमेंट ऑफ चार्ज हो गया. फास्ट मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण उस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, एंड कंडक्टेंस बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. टेम्परेचर इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस इंक्रीजेस लीडिंग टू इंक्रीज इन कंडक्टेंस एंड डिक्रीज इन रेजिस्टेंस. हैंस रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आर inversely proportional in case of electrolytic conductors. Okay, so these are some things which we should remember when we talk about the differences between the current electricity and the electrochemistry wala current. Okay, to hamare paas yahan pe current electricity ka current hai, metals mein se flow hone wala current hai, uska jo current hai ye jo hamare paas इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला करंट है इससे अलग है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वेर द कॉज ऑफ द करंट, यहां पे आयन्स आर द फ्लो ऑफ आयन्स इज द कॉज ऑफ द करंट. ओके, सो दीज आर सम थिंग्स विच वी शुड रिमेंबर. अब एक हमारे पास कंडक्टिविटी तो हमारा फॉर्मूला बन गया, कंडक्टिविटी के इज वॉट एल अपॉन ए आर,
बी अपॉन आर, ये तो हमने निकाला क्योंकि कैसे वन अपॉन रेजिस्टिविटी को मैंने बोल दिया है कंडक्टिविटी। ओके, तो कंडक्टिविटी तो एक हम लोग ने पैरामीटर डिफाइन कर लिया, बट अब ये कंडक्टिविटी कांस्टेंट होता है कब, अगर हम मेटल का बात करें, मेटल्स हमारे पास मेटल का कंडक्टर है तो उसमें कंडक्टिविटी कांस्टेंट होता है, मेटल का कंडक्टिविटी। ये देखो एक वायर है हमारे पास जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ ऑफ वायर एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो उसके लिए हमारे पास कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर ये वायर आयरन का बना है तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा रेजिस्टिविटी का, वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी आयरन वायर के लिए। सिमिलरली अगर ये कॉपर का वायर है तो कॉपर के वायर का कुछ तो रेजिस्टिविटी होगा, वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी कॉपर वायर के लिए जनरली। ओके, तो ऐसा हमारे पास ये रेजिस्टिविटी पैरामीटर है, उस रेजिस्टिविटी पैरामीटर का रेसिप्रोकल ही है कंडक्टिविटी, क्योंकि हमने देखा था कंडक्टिविटी इज वन अपॉन रेजिस्टिविटी रो। ओके, तो ऐसा हमारे पास ये फॉर्मूला है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में। तो रेजिस्टिविटी फॉर वायर इज कॉन्स्टेंट, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द मटेरियल, इसीलिए कंडक्टिविटी भी क्या है, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। ओके, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का बात करें, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक सेल रहेगा जिसमें हमारे पास एनोड है, कैथोड है, कुछ एक सॉल्यूशन बनाया है हमने, जैसे नमक वाला पानी का ही सॉल्यूशन है, अगर मैंने थोड़ा नमक डाला है पानी में तो उसका कुछ अलग कंडक्टिविटी आएगा, ज्यादा नमक डाल दूंगा ज्यादा नमक घुल जाएगा, ज्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, तो उस केस में वो और ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो एज वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, हेंस वी कैन से फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रो the conductivity, the electrical conductivity is a function of concentration. Concentration change होगा तो conductivity भी change होगा. This is true only and only for electrolytic conductors. Metallic के लिए ऐसा नहीं है. Metallic conductors के लिए तो resistivity constant है एक particular material के लिए, conductivity constant है एक particular material के लिए. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का बात करें तो वहां पे जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मली कंडक्टिविटी उतना चेंज होते जाएगा। ओके, तो दैट इज द केस फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो हेंस वी डिफाइन अ न्यू काइंड ऑफ कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बिकॉज इट चेंजेस विद कॉन्सेंट्रेशन। सो दैट न्यू काइंड ऑफ कंडक्टिविटी वी आर डिफाइनिंग इज नोन एज मोलार कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हम एक सॉल्यूशन का डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, उसको हम सिंबल लैम्डा से दिखाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय द टर्म लैम्डा, ये हमने लैम्डा यहाँ पे सिंबल बनाया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। और इसका डेफिनेशन हमें अलग तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, वी डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा as conductivity k upon concentration c। जो concentration c हम लेंगे that is in molarity units, हमने chemistry में पढ़ा हुआ है unit of concentration, the most widely used unit of concentration of a solution is molarity। तो उस molarity के terms में हम concentration define करेंगे, conductivity lambda is molar conductivity lambda is conductivity k upon concentration c। ये definition हमें याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इज कंडक्टिविटी के अपॉन कॉन्सेंट्रेशन सी, और ये कॉन्सेंट्रेशन सी हम मोलर यूनिट्स में लेते हैं, मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है नया, क्यों बनाया हमने, क्योंकि कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट होता है फॉर अ मेटालिक कंडक्टर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, बट फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स द कंडक्टिविटी चेंजेस विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए हम लोग ने नया डेफिनेशन बना दिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा विच इज के अपॉन सी। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो उस केस में हम लोग जो हमारा सोल्यूट है वो वन मोल लेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज लाइक दिस, मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द आयन्स ऑब्टेन फ्रॉम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से हमें जो आयन्स मिलेंगे उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो लैम्डा इज के अपॉन सी। अब इसका यूनिट क्या आएगा मोलर कंडक्टिविटी का, तो के का यूनिट हमने ऑलरेडी निकाला है ऊपर, k
के का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये मैंने प्रूव किया था, के का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओके। तो इसलिए मैंने के का यूनिट क्या लिख दिया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन हम मोलैरिटी यूनिट में लेते हैं, मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, लेकिन हम ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं तो लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल का तो ऐसा यूनिट मोल ही है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, ओके। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं सीमेंस, ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस एस। ओम इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सीमेंस एस। तो ओम इनवर्स को मैंने लिखा सीमेंस एस, मीटर इनवर्स एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में मोल पर मीटर क्यूब एज इट इज लिखा, तो मोल पर मीटर क्यूब एज इट इज, तो सीमेंस पर मोल पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हमारा यूनिट होगा मोलार कंडक्टिविटी का। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, सीमेंस पर मोल मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम बोल सकते हैं सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स नहीं, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, क्या बोल सकते हैं, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, ओके। और डेफिनेशन समझ गया, दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी डेफिनेशन, ओके। फिर हम लोग इसी को फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं, मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा इज के अपॉन सी, ये तो हमने डिफाइन किया। अब कॉन्सेंट्रेशन सी को लिखा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम लीटर लेंगे, ओके। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर, क्योंकि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। अब अगर मैंने मोलार कंडक्टिविटी का बात किया, तो मोलार कंडक्टिविटी किसके लिए होता है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितना रखा, वन, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स एन मैंने रख दिया वन, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के अपॉन वन अपॉन वी, दैट विल बिकम के वी, ओके। तो के वी भी एक फॉर्मूला हो सकता है किसका, मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा का, ओके। फिर और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर मैंने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया, वॉल्यूम किस में लिया, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स में, ओके, लीटर के बदले सेंटीमीटर क्यूब में लिया, ओके। तो हमारे पास क्या रिलेशन है लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में, वन लीटर इज 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, वन लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आएगा, तो मैं बताता हूं यहां पे, वन मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, ये सब तो सबको पता ही है, वन मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, वन लीटर को हम वन डीएम क्यूब भी बोल सकते हैं, देयरफॉर वन मीटर क्यूब इज 1000 लीटर विच इज 1000 डेसीमीटर क्यूब। और इसी को लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है या मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, तो वन मीटर क्यूब इज 10^2 × 10^2 × 10^2 सेंटीमीटर क्यूब, 10^2 × 10^2 × 10^2 becomes 10^6, तो 1 मीटर क्यूब इज 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, और 10^6 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर विच इज 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 लीटर्स इज 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, therefore 1 लीटर इज 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए 1 लीटर को मैंने क्या लिखा, 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए मैंने अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया, तो यहां पे जो लीटर में था उसको कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में, वी राइट 1 लीटर इज 10^3 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे 1000 के अपॉन सी फार्मूला आ जाएगा, 1000 के अपॉन सी फार्मूला कब आएगा, अगर हम लोग ने वॉल्यूम किस यूनिट्स में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स में, अगर वॉल्यूम को लीटर में लिया है तो ये के बाय सी फॉर्मूला यूज करो, ओके। वॉल्यूम को अगर हमने लीटर में लिया है तो मोलार कंडक्टिविटी इज के बाय सी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है तो 1000 के बाय सी, ओके। तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो दिस इज अबाउट द फ्यू फॉर्मूलास विच वी शुड रिमेंबर, वी विल टेक दीज फॉर्मूलास अहेड इन अवर कैलकुलेशन इन अवर नेक्स्ट सेक्शन। सो व्हाट डिड वी लर्न, वी लर्न दैट कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, conductance G is 1 upon resistance R, then we have other thing which is conductivity is 1 upon resistivity, तो conductivity K is 1 upon resistivity rho, फिर हमारा formula आ गया R is rho L by A, that gives 1 upon rho is L upon KA, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, 1 upon rho is L upon AR, 1 upon rho is L upon AR,
L अपॉन A को मैंने नया नाम दे दिया, विच इज सेल कॉन्स्टेंट B. तो इसीलिए हमारे पास 1 अपॉन रेजिस्टिविटी बिकम्स कंडक्टिविटी K, और L अपॉन A बिकम्स B. तो इसीलिए K इज B अपॉन R. तो इससे हमें फॉर्मूला आ गया B इज इक्वल टू के आर. बकरा से हम याद रख सकते हैं, बकरा, बकरा से याद रख सकते हैं बकरा. ओके, तो सेल कॉन्स्टेंट B इज K इंटू R, वेर K इज द कंडक्टिविटी, R इज द रेजिस्टेंस. सेल कॉन्स्टेंट B का यूनिट आएगा मीटर इनवर्स. फिर मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंसेस देखे. मेटालिक कंडक्टर में करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयर इज नो केमिकल चेंज व्हेन अ करंट फ्लोस थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द आयन्स इन अ मेटालिक कंडक्टर. वेयर एज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन्स, there is chemical change which is occurring when current flows. Resistance is due to the various interactions like solute-solute, solute-solvent, solvent-solvent interaction. Resistance is inversely proportional to temperature. Molar conductivity of a solution ka formula kya hai? Molar conductivity of a electrolytic solution, lambda is K upon C, where K is conductivity, C is concentration. Molar conductivity ka unit hoga siemen meter square per mole. फिर मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा फॉर्म फॉर्मूले में, अगर हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है तो मोलर कंडक्टिविटी इज 1000 के अपॉन सी. वी नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशन, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स विच इज 1000 डेसीमीटर क्यूब विच इज 10^6 सेंटीमीटर क्यूब विच इज 10^6 सीसी. तो ये हम याद करके इसी को हम आगे अगले सेक्शन